नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं थोड़ा पायलट सिंह, आपका पायलट सिंह। कनाडा से मैंने बहुत सारी वहाँ के सिस्टम की रिपोर्ट्स की, यहाँ पे भी जो हिंदुस्तान की अनेकता में एकता उसकी मैं रिपोर्ट्स करता हूँ आपको, उन चीज़ों से रूबरू करवाता हूँ। अमृतसर कहते हैं अमृतसर सिफ्ती का घर, सिफ्ती यानी कि तारीफ, कितनी तारीफ करो उतनी कम है। आप जानते हो ऋषि हो मुनि हो, पीर पैगंबर की धरती है। गुरु रामदास जी ने इस नगर को बसाया था, इसीलिए इसे इसका पुराना नाम रामदासपुर है। तो गुरबानी में लिखा हुआ बसदी सघन अपार अनूप रामदासपुर, यानी कि रामदासपुर अमृतसर में जो आबादी है बहुत घनी है। ये बड़ी कहावत मशहूर है कि अमृतसर में कोई भूखा नहीं सोता। गुरुद्वारों में जो होली फूड लंगर चलता है, वहाँ का भी सिस्टम कि जो भी वहाँ पर जाके मथा टेकता है, वहाँ पर श्रद्धा भाव से जाता है, वो भी लंगर ऐसे नहीं खाते। कुछ लोग दान पात्र में पैसे डालते हैं, कुछ लोग श्रम दान करते हैं, यानी कि वहाँ पे सेवा करके, कोई बर्तन की, कोई झाड़ू की, कोई पोछे की सेवा करके फिर वो वहाँ पे लंगर खाते हैं। तो एक और सिफ्त, एक और तारीफ है, अमृतसर का जो प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी तरफ से, रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से एक कम्युनिटी किचन यहाँ पर चल रहा है। कई बार सेल्फ डिग्निटी की बात होती है, कई बार हम फ्री किसी को खिलाते हैं, लेकिन यहाँ के लोग इतने सेल्फ रेस्पेक्ट है, उनकी डिग्निटी इतनी है, वो कहते हैं फ्री का नहीं खाएंगे, चाहे 10 रुपए में दो, हम इसमें हिस्सा जरूर डालेंगे, लेकिन पैसे दे के फिर खाएंगे। सो उनके लिए जो इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट है, डिग्निटी है, जिला प्रशासन की तरफ से रेड क्रॉस बहुत बढ़िया यहाँ पर प्रबंध किया है नाश्ते का, खाने का, थोड़े से पैसों में, मे बी कितने पैसे भाई, 10 रुपए में नाश्ता खाना, 10 रुपए में आप नाश्ता ले सकते हो। नाश्ते में अलग अलग मेनू होता है। कभी यहाँ के अमृतसर है वो जो आलू के कुलचे जिसको कहते हैं, कुलचे छोले होते हैं, पूरी छोले, पराठे, आलू के पराठे, गोभी के पराठे, और पराठे के साथ सब्जी, फिर दोपहर का खाना होता है, उसमें दाल होगी, सब्जी होगी, चपाती होगी, चावल हो गए, सलाद होगा, लाइक वाइज डिनर भी है, ताकि कोई भी यहाँ पे खाना चाहे तो आके खा सकता है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर रिक्शा वाले या गरीब या झुग्गी झोपड़ी वाले, कोई भी, एनी बॉडी इज़ वेलकम, कोई भी यहाँ पे आ सकता है, कोई भी पैक करवा सकता है। जिला प्रशासन के जो ऑफिसर्स हैं वो यहाँ आते जाते हैं और देखते हैं वाकई इसकी क्वालिटी है। अगर ये खाना सस्ता है इसका मतलब नहीं है कि क्वालिटी कम है, क्वालिटी बहुत बढ़िया। जिला प्रशासन रेड क्रॉस की तरफ से ये सारा प्रबंध किया गया है, ताकि अमृतसर में जो भी ये खाना खाना चाहे यहाँ बैठ के खा सकता है। तो बहुत सारे लोग, ये हमारे दोस्त हैं, पैकिंग करवाने, पैकिंग करवा के ले जाते हैं, जाते हैं। बहुत सारे हमारे दोस्त स्टूडेंट्स हैं, वो खाना नहीं बना सकते, पढ़ाई का बोझ बहुत होता है, वो यहाँ से पैक कराते हैं। बहुत सारे हमारे भाई बहन जो दूसरे शहरों से अगर यहाँ पर नौकरी करते हैं, वो भी यहाँ से खाना खा लेते हैं, खाना पैक करवाते हैं। तो फिर एक बार कहूँगा, अमृतसर सिफ्ती का घर, अमृतसर एक तारीफ वाला शहर है। तो जितनी तारीफ करो उतनी कम है। कम्युनिटी किचन रेड क्रॉस की तरफ से यहाँ पे डेफ एंड डम, पुरानी तहसील के पास, टिंगरवाड़े के पास, बस अड्डे के पास, ये प्रेमिसेस है रेड क्रॉस का, जहाँ पे बहुत सारा एक साझी रसोई बनाई गई है, यहाँ पे कोई भी आके खा सकता है। सो इट इज़ हम्बल रिक्वेस्ट टू वन एंड ऑल, प्लीज़ कम ऑल, आएँ यहाँ पे खाने का लुत्फ उठाएँ। और धन गुरु रामदास और जिला प्रशासन ने जो काम कर रही है इतना बढ़िया, हर एक का पेट 10 रुपए में भरने के लिए उसकी तारीफ करें। धन्यवाद, थैंक यू, सी यू अगेन, तब तक है।